गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, शुगर, नॉन शुगर एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सो देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इन दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट इन विच लार्ज नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट एंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2, 3, 4, 5 आर काउंटेबल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिनको हम वाटर में डिजोल्व करें और हाइड्रोलाइसिस हो और डिकम्पोज हो, 2 मोनोसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड्स में 4 मोनोसैकेराइड्स में काउंटेबल हों, बहुत ज़्यादा नहीं हों, वो बोले जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो हमारे सिलेबस से ये टॉपिक एनसीईआरटी सीएफ की बार हटा दिया गया, लेकिन हमें इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स आर शुक्रोज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, जिसे हम शुगर बोलते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, स्टैचियोज, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। इसमें जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स में 3 मॉलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे। ये जो लिखे हुए हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे और ये 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे, जबकि ये रेफिनोज ये 3 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा और ये 3 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। स्टैचियोज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासैकेराइड्स, दैट्स मीन ये 4 में ब्रेक होगा। यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स के 3 वराइटीज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और भी हो सकती हैं, डाईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड्स, एंड टेट्रासैकेराइड्स। डाईसैकेराइड्स का मीनिंग है जो 2 बनाएंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे, ट्राईसैकेराइड्स मीन जो 3 मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे, और टेट्रा मीन्स जो 4 बनाएंगे। डाईसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं शुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। शुक्रोज दैट्स मीन जिसे हम केन शुगर या जनरल अपनी लाइफ में शुगर बोलते हैं, जिसका फार्मूला हम लिखते हैं C12H22O11। ये एक डाईसैकेराइड है, चाहे डाईसैकेराइड हो, ट्राईसैकेराइड हो, टेट्रासैकेराइड्स, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? सारे के सारे ये ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों को वाटर में मिलाएंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। अब ये वाटर में मिलाने पे एसिड या एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से बनाएंगे? शुक्रोज जो है हाइड्रोलाइसिस करने पे 1 मोनोसैकेराइड बनाता है जो कि ग्लूकोज होता है, और दूसरा मोनोसैकेराइड जो होता है वो फ्रैक्टोज होता है। लेकिन माल्टोज जो है, जो आपका है, वो अगर वाटर में मिलाया जाएगा तो वो ऐसा नहीं करता, वो भी 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। लैक्टोज भी 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। रेफिनोज ये ट्राईसैकेराइड का एग्जाम्पल है और इसका फार्मूला ये नहीं होगा, और ये वाटर में मिलाने पे 3 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा, जबकि स्टैचियोज जो है 4 मोनोसैकेराइड बनाएगा। अब आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा, सॉरी शुक्रोज जो है 2 मोनोसैकेराइड्स बनाएगा, एक ग्लूकोज बनाएगा और एक फ्रैक्टोज बनाएगा। नाउ योर क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन माल्टोज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स
when maltose undergo hydrolysis. And question number 2, what will be the formula of raffinose and stachyose? You have to do the question number 2. What is the formula? You have to note down this. What is the formula of raffinose and stachyose? You must know. I have given you. Then raffinose form 3 monosaccharides and stachyose will form 4 monosaccharides. So dear student, I think you have got about the oligosaccharides. Now the final types of the carbohydrate according to this is polysaccharides. Okay students, so dear student, the last category, that is the polysaccharides. In this the carbohydrate which can form large number of monosaccharides on hydrolysis. The examples of polysaccharides are polysaccharides starch, cellulose, and this topic also is removed from the NCERT syllabus, but you must know about for the competition and other exams. What will be the formula of these C6H10O5N? This is the formula of starch or cellulose. Both are having same formula, depends upon the number of molecule. Or these are the polymers also, because long chain of this monosaccharides are attached. What will be happen if starch is undergo hydrolysis? C6H10O5N, when this undergo hydrolysis in presence of enzyme, first it will convert into dextrin, and finally dextrin will convert into glucose, and molecules of glucose will form. Similarly, you can hydrolyze the cellulose also. When you are taking here starch, and this is starch, and you are forming glucose, so you have right to mention here starch. Otherwise, this can be written as cellulose also. So if you are taking cellulose here, so glucose will not form. So dear student, जब भी हम carbohydrate का कोई भी formula लिखेंगे, तो formula लिखने के बाद हमको उसके नीचे उसका name लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वही formula carbohydrate में किसी दूसरे carbohydrate का भी हो सकता है. जैसे यही formula glucose का है, यही formula galactose का है, और यही formula fructose का है. So what is the difference between the glucose, fructose or galactose? So dear student, I am going to tell you about the structures of glucose. How we will draw the structure of glucose? You have yesterday drawn aldoses and ketoses. In that, glucose undergo the aldoses. Glucose formula is C6H12O6. This is the formula of glucose. But you can't say this is the formula of glucose, because the similar formula of this is also of fructose. So what you have to do, you have to draw the structure. The structures of glucose can be prepared into 3 ways. One is open chain structure. Open chain structure. Number 2, Fischer projection formula. Fischer projection formula. And number 3, Haworth projection formula. Haworth projection formula. So dear student, first of all we will draw the structure of glucose, that is open chain structure. And how you will draw the structure of glucose, see properly, because when you will draw the structure, first structure, that is open chain structure, by that structure you can draw this second one and third one. In the glucose there are 6 carbon, 6, 1, 2, 3, 4,
5 and 6. You have to write the number here. 1 number carbon, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number and 6 number. According to the definition, polyhydroxyaldehyde as well as polyhydroxyketone are called carbohydrates. Glucose is the monosaccharides and it is aldohexoses. That means one aldehyde group should be present in glucose. And you know, aldehyde should be attached at the terminal carbon, either this carbon or this carbon. So you have to attach aldehyde groups, so we have to convert this carbon into CHO. This is aldehyde group. Now remaining 5 carbon. Here we have to attach hydroxyl group, that means OH group, as well as hydrogen. This is the carbon number 6. You have to attach here, secondary, that's mean OH, CH2OH. There are so many types of glucose, D plus glucose, L plus glucose, D minus glucose, DL minus glucose. What is these meanings? The carbon number 2, phir se dekhiyega, and carbon number 5. If you want to form the structure of D, so you have to indicate here. The position of hydrogen on the carbon number 5 in the glucose will be declared D or L. If you attach hydrogen in the left side, so it indicates that means D. If you attach the hydrogen in the right side, so that will be indicate the L. 5 number carbon pe agar hydrogen ko left side mein lagate hain, to ye aapko D, aur agar right side mein lagate hain hydrogen ko, to L bola jayega. Isi tarah se 2 number carbon pe अगर आप हाइड्रोजन को लेफ्ट पे लगाते हैं तो प्लस, और अगर राइट पे लगाते हैं तो माइनस. नाउ हेयर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, तो इधर हमको OH लगाना पड़ेगा. सी हेयर, दिस इज OH. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट कार्बन, रिवर्स ऑफ द दिस वन. सो H विल गो दिस साइड एंड OH विल गो विद दिस साइड. फर्स्ट सी हेयर, this is D because you are adding hydrogen in the left side, D, and this is plus because you are adding in the left side. 2 number carbon pe glucose ke structure mein agar aap left side mein hydrogen lagate hain to hum plus lenge. 5 number carbon pe agar hum left mein H lagayenge to D lenge. Dear students, ek baat aur samajh lijiye ki ye D aur L डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवी रोटेटरी को नहीं इंडिकेट करते. नाउ यू हैव रिवर्स दिस डायरेक्शन, अगेन रिवर्स दिस डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, सो यू हैव गॉट डी प्लस ग्लूकोज. क्लास 12 लेवल में हम सिर्फ डी प्लस ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इसके और भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. इन पोजिशंस को हम चेंज करें तो माइनस, या इन पोजीशन को चेंज करें तो एल फॉर्म आ सकता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं और सिलेबस से इंक्लूड भी नहीं करते, इसलिए हमें उनको नीड नहीं है. लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में डी, एल और प्लस माइनस किस तरह से इंडिकेट करे जाते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड फॉर्म, सेकेंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ फिशर projection formula. Dear student, in the Fisher projection formula, we have to use this structure. Without this structure, you can't draw that structure. Okay? So, dear student, before going to prepare the second type of structure, that is Fisher projection formula, I want to ask one question to you. So what is your question? Question number 2, note down please. How many aldehyde groups and alcohol groups are present in glucose? How many aldehyde groups and alcohol groups are present in glucose? Now see how you will prepare the Fisher projection formula. As you are seeing here that this is aldehyde group at carbon number 1 and carbon number 5. The oxygen of carbon number 5
will be connected to the carbon number 1. As you know, hemiacetals, in a aldehyde chapter, this hydrogen of carbon number 5 will move towards the aldehyde group and convert this aldehyde group into alcohol. As if we draw this structure, so we can write aldehyde group like C, single bond H, double bond O. This H, that's mean at from carbon number 5, H will be removed and it will go here. When it will go here, so then this bond will change into single. And one bond required which connect this oxygen. That's mean carbon number 1 and carbon number 5 is connected through oxygen. You can say this is ethereal oxygen. And aldehyde group is converted into alcohol group. एक नंबर कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम 5 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ वी हैव टू इंडिकेट द पोजीशन. ये आप समझ गए होंगे. फिर से हम आपको रिवर्स करते हैं, फिर से एक बार बताते हैं. देखिए, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था और ये आपका 5 नंबर कार्बन पे OH था. हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है जो यहाँ पे इसको करेगा, और इसमें से एक बॉन्ड जो कम होगा उस इस O को कनेक्ट करेगा. ये है आपका फिशर प्रोडक्शन फार्मूला. लेकिन हम इसको प्रॉपरली ड्रा कैसे करेंगे और इसका नेम क्या होगा? फिशर के अकॉर्डिंग टू नेम्स होते हैं. डियर स्टूडेंट, आई विल ड्रा द स्ट्रक्चर एंड देन राइट द नेम. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फिशर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 and 5 will be connected by O. Here CH2OH, in this side H. This is as it is. Now, कार्बन नंबर 1 पे हमको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है. अगर हम इस हाइड्रोजन को इस पोजीशन पे लगाते हैं लेफ्ट साइड में और हाइड्रोक्सिल को राइट साइड में, सो वी हैव टू यूज अल्फा. हाइड्रोजन एट 1 नंबर कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इंडिकेट द अल्फा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कार्बन नंबर 2, एज इट इज यू हैव टू कॉपी द स्ट्रक्चर. दैट मीन दिस इज एच ओ एच, दिस इंडिकेट प्लस, देन एच ओ एच, दैट मीन दिस साइड एच, दिस साइड ओ एच, 3 नंबर कार्बन, देन 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर लेफ्ट साइड OH, and this is D. So alpha D plus glucose. मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी बनाने में. अल्फा 1 नंबर कार्बन से, D 5 नंबर से, प्लस 2 नंबर कार्बन से. अगर हम इसको इंडिकेट करना चाहते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, सो C 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Dear student, we have to draw the beta structure. I am leaving here only. You have to complete beta structure. This is your question number 2, that draw the structure of beta D plus glucose according to the Fischer projection formula. Okay, students. Dear student, now the third type of the structure, that is the Haworth projection formula. And what is the other name of that? You can say pyranose structure of glucose. Pyranose is the 6-membered ring in which 5 carbons and 1 oxygen, in which carbon is attached to the oxygen. What is pyranose here? C, 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 and O. This is pyranose ring, hexagonal ring in which 5 carbon and 1 oxygen. So according to this ring, Haworth formula,
एंड दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हम फिशर को देख करके ही हावर्ड फार्मूला बनाते हैं। हावर्ड फार्मूले में ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग में 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन को ऑक्सीजन के बीच से कनेक्ट किया गया है। सो सी 1 नंबर कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज ओ। सी हियर 1, that is 1, 2, that is 2, 3, that is 3, 4, that is 4, 5, that is 5 Now see, what is the name of this alpha D plus glucose? At 1 number carbon, in the left side hydrogen, right side hydroxyl. So, in this top side hydrogen, bottom side OH. At 2 number carbon, left side hydrogen, right side OH. So, 2 number carbon, top side hydrogen, bottom side OH. 3 number carbon, top left side OH. So, sim, you can understand, left ko hum upar banayenge, right ko niche banayenge. 4 number carbon, left pe upar H. That's mean right, that's mean niche OH. 5 number carbon. This is 5 number carbon. See, be alert here because this is connected this and 1H and 1CH2OH is left. Keep in your mind here, always we have to add this CH2OH at upper side, outside of the pyranose ring, and downside that is H. What will be the name of this compound? Alpha, it is according to this. D, according to this. Plus, according to this. And this circular form, we will tell alpha D plus glucopyranose. Alpha D plus glucopyranose. Now what you have to do, if you want to draw the beta structure of glucopyranose, what you have to do, only this OH will go upper side and this will go downside. So question number next is, draw the structure of glucopyranose and what form? Beta D glucopyranose. Okay student, I think you have got about the structures of the glucose clearly. We have drawn the 5 structures of the glucose, and why we are drawing these structure? Because one structure cannot explain all the properties. In the next topic, we will discuss about the chemical properties and preparation of the glucose. Thank you. Good night.